हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव यूजी लेवल एग्जाम या प्रोफेशनल एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगी। आप अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं या किसी भी यूजी लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके एग्जाम बेटर, वो अपने नंबर आप मार्क्स प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टैटिकल्स आप एक सर्वे देते हैं जिसकी आपको एक रिजल्ट आपको देनी पड़ती है। तो अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट आता है। नेक्स्ट आती है, कैंसर पॉपुलेशन इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी, प्रत्येक के बाद जनसंख्या की गणना की जाती है 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर या 11 ईयर। जनसंख्या की गणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो आप ये जानते हैं, भारत में पॉपुलेशन के संबंध में आपको इसकी कैलकुलेशन अगर गणना निकालनी है तो यह प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है। तो इसके लिए आपका क्या है, सी आपका सही है, 10 ईयर्स पे आप पॉपुलेशन जनसंख्या की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिशमेंट ईयर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1947, 1950, 1951, 1961, इसमें से किस सन में किया गया? तो इसी 1951 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपके लिए, विच इज द पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रकाशन कौन सा है? फर्स्ट आपके लिए इंडियन लेबर ईयरबुक, भारतीय श्रम पुस्तक, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का वार्षिक संरक्षण। थर्ड है आपके लिए ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, भारत में ट्रेड यूनियन। स्टैटिस्टिकल फैक्टर, तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रकाशन भी आपके लिए होगा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके लिए है, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया इज पब्लिश्ड, इंडिया में स्टैटिस्टिकल्स को पब्लिश्ड की जाती है, इसकी पत्रिका मैगजीन आपको कब दी जाती है? तो इसको हम मंथली, वीकली, साप्ताहिक, एनुअल, क्वार्टरली, तो हमेशा स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आपको एनुअल दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सी इज ए करेक्ट। नेक्स्ट आप दे, हेड ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट इज सिचुएशन, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस कहां है इंडिया में? दिल्ली, मेरठ, मुंबई, लखनऊ। तो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस इंडिया में आपके लिए लखनऊ में है। तो आपका आंसर डी करेक्ट मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फुल नेम ऑफ सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय बिक्री संगठन, केंद्रीय सूचना संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर नंबर ए इज विथ ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन आपके लिए है, सेवन, द स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की कब स्थापना की गई?
तो इस स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भारत में CSO फर्स्ट टाइम स्टैटिकल सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ACSO की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है स्टेटिस में क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए देखिए 8 क्वेश्चन कहता है एसेंटियल ऑफ सैंपल इज नॉट नमूने के लिए अनिवार्य नहीं है या तो इसके लिए एसेंटियल आप किसमें आप लेंगे रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व आपके लिए है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता डिसिमिलरिटी असमानता एडुकेशी पर्याप्तता तो एसेंटियल ऑफ सैंपल इज नॉट तो आपने दर्शन नहीं हो सकता तो असमानता जब रहेगी तब आप स्टैटिकल प्रत्येक रिजल्ट आप देना संभव नहीं तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंटियल ऑफ सिंपल निम्नलिखित में से कौन से एक नमूने के लिए अनिवार्य नहीं है तो नमूने के लिए रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व आप ले सकते हैं लीडर पर्सन एडुकेशी पर्याप्तता से सिमिलरिटी समान व्यक्ति समानता डिपेंडेंस निर्भर तो किसी भी चीज में सैंपलिंग सर्वे में आपको लेना होगा किसी निर्भर व्यक्ति को नहीं ले सकते तो कौन में नहीं है आपके लिए डी है निर्भरता तो अब आपके लिए क्या मानी जाएगी डी डिपेंडेंस आपको शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर आपके लिए आता है 10 एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज सिचुएशन सिचुएटेड इन एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इन सिचुएटेड इन इसके लिए आपको फर्स्ट आपके लिए होगा मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्लस्टर सैंपलिंग कंसेंसस मेथड नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं मल्टी स्टेज मेथड कई स्टेप में आप ले सकते हैं क्लस्टर में तो आप कैंसर जनगणना विधि में एवरी यूनिट पॉपुलेशन हमेशा कैंसर जनगणना विधि हम आपको लेते हैं तो यह आपके लिए क्वेश्चन नंबर का यहां पर आंसर नंबर 10 का सी आपके लिए करेक्ट है जन पॉपुलेशन के लिए आप कैंसर मेथड से इस्तेमाल करते हैं। सैंपल इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नमूना किसका प्रतिनिधित्व है यूनिवर्स समग्र सबका ब्रह्मांड का सभी का इन्वेस्टिगेशन जांच का डाटा इनमें से कोई नहीं सो यूनिवर्स सभी का हम क्या कर सकते हैं सैंपलिंग रिप्रेजेंटेटिव ले जा सकती है तो इसके लिए आंसर आपको ए माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए आंसर क्वेश्चन ए 12 ए बॉर्डर चेक पोस्ट स्टॉप एवरी पैसेंजर व्हेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एम्प्लॉयड तो आपके लिए एक सीमावर्ती चेक पोस्ट प्रत्येक यात्री गाड़ी को रोकती है निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है किसी सीमावर्ती बॉर्डर एरिया पे अगर चेक होती है तो फर्स्ट आपके लिए है सिंपल रैंडम सैंपलिंग सामान्य रूप से किया जाए सर्टिफाइड सैंपलिंग क्लस्टर सैंपलिंग या कंप्लीट इन्यूमरेशन एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री जाते हैं एक स्टेट से दूसरे कंट्री स्टेट में जाते हैं अगर वहां पर चेकिंग हो रही है तो वो कंप्लीट ही चेकिंग मानी जाएगी हम उसको सामान्य जनरल चेकिंग नहीं ले सकते तो इसके लिए आपको कंप्लीट चेकिंग का है डी कंप्लीट इन्यूमरेशन बॉर्डर एरिया पर अगर आपके लिए होती है तो डी आपको कंप्लीट चेकिंग आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए 13 द बेस्ट मेथड ऑफ सैंपलिंग इज रैंडम सैंपलिंग बिकॉज बेस्ट सैंपल निर्दर्शन की सबसे अच्छी विधि दैव निर्दर्शन क्योंकि सबसे अच्छी विधि क्या है इट इज
लेस एक्सपेंसिव, सबसे कम खर्चीली है, इट इज टाइम सेकिंग या समय बचाती है, इट इज लेबर सेकिंग या श्रम की बचत करती है, दिस इलेक्शन ऑफ यूनिट इज अनबेस्ट, इकाई का यह चुनाव निष्पक्ष है। तो बेस्ट मेथड ऑफ सैंपलिंग रैंडम के रूप में लेते हैं, तो इसके लिए द इलेक्शन ऑफ यूनिट अनबेस्ट या इकाई चुनाव निष्पक्ष मानी जाती है, इसके लिए आपका डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए देखे, सैंपलिंग मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर स्टडी इफ, अध्ययन के लिए निर्दर्शन की विधि उपयुक्त नहीं होगी, रीडिंग के लिए आप सैंपलिंग विधि का उपयोग नहीं कर सकते, पॉपुलेशन साइज इज ए वेरी स्मॉल, जहां छोटा है, जनसंख्या का आकार बहुत छोटा है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज एक्सपेक्टेड, उच्च सटीकता के उम्मीद रखता है, द यूनिट ऑफ नॉन होमोजेनियस गैर सजाती, ये सभी तो आपके लिए यहां है कि प्रतिचयन विधि के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें से ऑल द अबव, पॉपुलेशन अगर छोटा है दो लोगों का आप क्या सैंपल सर्वे लेंगे, हाई डिग्री पर नहीं ले सकते, द यूनिट ऑफ नॉन होमोजेनियस, तो इसके लिए क्वेश्चन होगा ऑल ऑफ दीज, हाई डिग्री पर, छोटे आकार पे, हाई डिग्री पे और गैर सजाती पर आप इसके अंडरटेकिंग नहीं कर सकते, ये मेथड उपयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए है, नाउ ए डे मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड इज वेरी पॉपुलर बिकॉज, आजकल मिश्रित नमूनाकरण विधि बहुत लोकप्रिय है, मिश्रित नमूनाकरण विधि बहुत लोकप्रिय है, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस इज रिड्यूस्ड इट, इनमें से व्यक्तिगत प्रभाव कम हो जाता है, नेक्स्ट है इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ डिलीबरेट सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग, इसमें सविचार तथा दैव निर्देशन दोनों गुण आते हैं, नेक्स्ट है इट रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के विभिन्न चरण का प्रतिनिधित्व करता है, ऑल ऑफ द अबव सभी के लिए है, तो मिश्रित निर्दर्शन अधिक लोकप्रिय है आपके लिए, तो मिश्रित लोकप्रिय, इट प्रॉपर्टीज बोथ डिलीबरेशन सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग, तो आपके लिए मिक्स्ड सैंपलिंग में आप जनरल भी ले सकते हैं और रैंडम दोनों को मिला करके ले सकते हैं, तो इसके लिए आंसर आपका आएगा बी, करेक्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए आता है 16, रैंडम सैंपलिंग इज आल्सो नो एज, रैंडम सैंपलिंग को किस रूप में जाना जाता है, ए है आपके लिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम कहेंगे संभाविता का निर्दर्शन, नेक्स्ट है डेली आपके लिए ब्रेड सैंपलिंग, दैनिक रोटी की नमूने, क्लस्टर सैंपलिंग और कैंसर पॉपुलेशन के संबंध में, तो आपके लिए रैंडम सैंपलिंग आपके लिए संभावना होती संभावनाओं के आधार पे, तो इसके लिए आंसर ए आपका करेक्ट माना जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपको एबिलिटी संभावनाओं का निर्दर्शन मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है, हूज स्टेटमेंट इज फॉलोइंग, निम्न में से किसका कथन है, तो आपके लिए है सैक्रिफाई रैंडम सैंपलिंग बैलेंस द अनसिक्रेटिनिटी ऑफ रैंडम सैंपलिंग अगेंस्ट द बेस ऑफ डिलीबरेट सेलेक्शन, दैव निर्दर्शन सविचार प्रतिचयन की अभिनिति तथा दैव निर्दर्शन की अनिश्चितता के मध्य संतुलन स्थापित करता है, ग्रोहमैन यूलो यूल एंड कैंडल स्नेडेकोर बाउले, तो इसके लिए कौन कहा है इसको, ग्रोहमैन ए के द्वारा ये क्वेश्चन नंबर 65 का
आपके लिए ई ग्रॉमन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप देख सकते हैं 18 क्वेश्चन नंबर, विच सैंपलिंग मेथड इज एप्रोप्रिएट इन केस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजीनियस विविध गुणों के समग्र प्रतिदर्श छांटने के लिए निर्देशन की कौन सी रीति उचित है, कौन सी रीति हेट्रोजीनियस उचित है, रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड, कई स्टेप में आप कर सकते हैं, सिस्टमैटिक, नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। ए रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सी सिस्टमैटिक, डी नन ऑफ दीज। तो आपके लिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग स्तरीय निर्देशन नमूनाकरण आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 19 है, कलेक्शन ऑफ डाटा सैंपलिंग इज साइंटिफिक सिस्टम बिकॉज। निर्देशन द्वारा समंकों की संकलन एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्यों वैज्ञानिक पर, इट इज बेस्ड ऑन लो स्टैटिक्स एंड रेगुलेटरी, यह सांख्यिकी नियमता नियम के आधार पर होती है, इट इज टाइम सेविंग एंड चेक प्रोडिजिलिटी ऑफ मनी, इट इज इसमें कम समय में धन के अपव्यय को रोकता है, प्राइमरी डाटा कैन कलेक्ट विद इट हेल्प, इसके सहायता प्राइमरी इसके द्वारा प्राथमिक समंक एकत्रित किए जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट मोर आइटम कैन नॉट बी कलेक्टेड, कैन नॉट बी अधिक मदों की जानकारी एकत्र नहीं की जा सकती। तो कलेक्शन ऑफ डाटा का साइंटिफिक मेथड आपके लिए ए होगा, इट इज बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरीज, सांख्यिकी नियमता नियम पर आधारित होती है। आज आपने स्टार्टिंग टू एंड स्टैटिक्स के संबंध में आपने एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शेयर करें कि आपका और आपके फ्रेंड सर्किल में बेटर एग्जाम हो सके। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। थैंक यू।